अब हम इस बैगन से कछुआ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हूँ पूरे बालवन में, और ये मेरा ब्रांड भी है और मेरा सबसे बड़ा पहचान है। सो मैं ये कछुआ बनाने जा रहा हूँ। देखिए किस तरह से एक बैगन से कछुआ बनता है। ये देखिए हम यहाँ पे हेल और टेल, यानी यहाँ पे फेस बनाएंगे कछुए का और यहाँ पूंछ बनाने जा रहे हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको जब आप इससे कुछ बनाएंगे बच्चों, और बनाने के बाद अपने मम्मी पापा को दिखाओगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और इससे भी अच्छा तब लगेगा जब आपकी मम्मी इस कछुए से आपके लिए सब्जी बनाएगी, तो नाम होगा बैंगन के कछुए की सब्जी। तो लीजिए मजा और देखिए काम कैसे होता है। सो अगर हम इसी के जैसा अगर बैंगन से अगर फेस और पूंछ अगर बनाते हैं तो एक दूसरे में मिल जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो हम इसमें इस कटे हुए जो घिया है हमारे पास, हम इससे फेस और पूंछ बनाने जा रहे हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ से कट मार दिया, इस तरह से काटा और फिर एक यहाँ से काट दिया ऐसे। ये देखिए पूंछ की तरह बन गया, देख रहे होंगे। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे इस प्रकार से, और हम इसको जोड़ने के लिए एक दूसरे से ये झाड़ू की तिल्लियाँ, झाड़ू के हर किसी घर में ये सिक्के वाला झाड़ू होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से इसमें लगा देंगे इस तरह। ये देखिए क्या, अब हम इससे एक फेस बनाने जा रहे हैं कछुए के मुंह। तो आप देखिए किस तरह से बनता है। हमारा एक्सपीरियंस है आप बच्चों प्यार से काम करना, आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि ये नाइफ है तो बहुत शार्प होता है, हमें भी ध्यान से काम करना पड़ता है। तो हम ये देखिए किस तरह से कछुए का फेस बनता है। सो देखिए बड़ा मज़ा आएगा आपको करने में। यहाँ से इसको इस तरह से कट मारना है हल्का सा ऐसे, ठीक इसी प्रकार दूसरे साइड से हल्का सा ऐसे काट दिया, ठीक है। और इसी प्रकार से थोड़ा सा ऊपर से कट मारेंगे आराम से, एकदम आराम से ऐसे, ठीक है। तो ये कछुए का फेस है, हल्का सा नीचे से कट मार देंगे ऐसे। अब इसको अगर डायरेक्ट हम ऐसे लगा देते हैं तो मज़ा नहीं आएगा, अगर इसमें थोड़ी आँखें बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम आँख के लिए डीपिंग ब्लैक कलर के ये बैंगन के कुछ छिलके हैं जिसका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो हम इतना छोटा छोटा दो टिक जैसे इसको काटेंगे और यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे, इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए चिपक गया, तो इसकी ये आँखें बन गई, दिख रही आँखें। अब हम इसको यहाँ पे नीचे की तरफ लगाएंगे इस तरह से, देखिए किस तरह जोड़ते हैं। हम इस तिनके का सहारा लेंगे, तिनके के बाद दो टुकड़ा कर लेते हैं इस तरह से, बीस दो कर लिया, एक हमने यहाँ लगा दिया ऐसे, दूसरे को यहाँ लगा दिया ऐसे। ये देखिए हम इसको थोड़ा फिर से निकाल देते हैं सही से लगाने, हम इसको यहाँ फिर से
तरह से लगाएंगे यहां से एक्सपेरिमेंट से ऐसे ये देखिए कछुए के मुंह और पूंछ बन चुका है। अब इसके पैर बाकी रह गए तो हम पैर बनाने जा रहे हैं। देखिए पैर कैसे बनता है। हम पैर के लिए इस आलू का इस्तेमाल करेंगे। एक आलू को दो टुकड़ा करेंगे फिर यहाँ से इससे इसको काटेंगे इस तरह से काट देंगे ऐसे काट देंगे और ऐसे कट बनाएंगे यहाँ से कट बनाएंगे तो इसके दो पैर बनके तैयार हो चुके हैं। और इसके दो पैर को चाहिए तो ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ से कट मारेंगे यहाँ से काटेंगे यहाँ से कट मारेंगे ऐसे इस प्रकार से काट देंगे डीज से दो तो ये चार पैर हो गए इसके। ठीक है ये देखिए इसके चार पैर हो गए। इसमें से हम क्या करेंगे कि एक पैर को हम यहाँ लगाएंगे वही प्रोसीजर जैसे कि तिल्ली है हमारे पास ये झाड़ू की तो हम इसके टुकड़े करेंगे और ये टुकड़ा हम इसके साथ लगा देंगे ऐसे लग गया। एक टुकड़ा और लेंगे और एक पैर को हम यहाँ लगाएंगे ऐसे इसको इस झाड़ू की तिल्ली से मिला देंगे और इसी प्रकार से एक पैर हम यहाँ लगाएंगे और झाड़ू की ठीक उसी प्रकार से हम तिल्लियों को दो टुकड़ा करेंगे। टुकड़ा करने के बाद हम इसको यहाँ ऐसे लगा देंगे इसी तरह से एक तिल्ली और लेंगे और हम इसको यहाँ लगाएंगे इसको हम यहाँ लगा देंगे। ये बन गया आपका कछुआ। देखिए अब इसको थोड़ा सजाने के लिए हम अगर इसमें कट मार दें तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। इसको देखिए कैसे ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा इसे कट मार देते हैं। अगर कट मारते हैं इसका जो जो इसका डिजाइन है वो बाहर निकल के आ जाएगा। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा यहाँ भी कट लगा सकते हैं हम इस तरह से